Assalamu alaikum everyone, this is Ali from AWPix. Sorry, I'm back with another banging video for you guys. As you know, this is the starting point of Miranjini track. Steep climb we're going to start. And from Islamabad, we're going to start at 6:30. And at 6:30, takriban from Centaurus, we took off. And this time, it's 8:59. So, good about 2.5 hours we lage to reach this place. सुबह का टाइम था तो रश बिल्कुल भी नहीं था, फील भी नहीं हो रहा था, तो वी रीच दिस प्लेस क्वाइट ईजीली. तो आज मिरंजनी को ट्रैक करेंगे और शुरू में काफ़ी स्टीप हाइक है, तो थोड़ा सा साइड पे होके मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. तो मिरंजनी इटसेल्फ इज अबाउट 2971 मीटर्स हाइट में और 9700 प्लस अगर फीट में मैं बात करूं तो 9700 मीटर्स प्लस की जो है वो बुलंदी है. सांबा से तकरीबन द डिस्टेंस इज अराउंड 80-85 किलोमीटर्स यहाँ पॉइंट तक. तो फ्रॉम नथिया बेसिकली आप गवर्नर हाउस वाला रूट लेते हैं एंड फ्रॉम द गवर्नर हाउस जो केपी हाउस है उसके नीचे से एक ट्रैक मूव करते हैं और नमली मेरा की तरफ आप लोग जब आते हैं तो दैट्स बेसिकली द एरिया जहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. भाइयों और बहनों, ट्रैक जो है वो तकरीबन मैंने 17 मिनट्स की जो हाइक है वो कर ली है. एलिवेशन इज अराउंड 2400 मीटर्स, 2900 तक हमने जाना है और ये इनिशियल पोर्शन ऑफ 500 मीटर्स फिलहाल तो बहुत रॉकी है और पथरीला है और स्टीप क्लाइम है जैसे कि आप देख सकते हैं और ट्रैक भी काफ़ी नैरो है. बट अमेजिंग सो फार, बहुत अच्छा शेड प्रोवाइड कर रहे हैं जो ट्रीज हैं और बहुत सारी ग्रासी बुशेज हैं. देख सकते हैं इट्स अ नैरो पाथ, नैरो सा ट्रैक है. इट्स नॉट वेरी क्या कहते हैं खुला डुला लाइक मुश्कपुरी. तो है अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं. इस दफ़ा मैंने पानी ढेर सारा कैरी किया है, बिकॉज वाटर इज़ नेसेसिटी. पानी अपने साथ ज़रूर कैरी करें फॉर हाइड्रेशन पर्पजेज. मिड पॉइंट तक चलते हैं, अलॉट अ फ्यू बी ओल्ड शॉट्स वो देखें, ट्रैक की ब्यूटी इन्जॉय करें, फौना एंड फ्लोरा इन्जॉय करें. लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. एक चीज़ जो मैंने नोट की है इस ट्रैक पे स्ट्रेंजली जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ कि जब मैं मुश्कपुरी कर रहा था अबाउट अ मंथ टू मंथ्स बैक, तो मुझे बहुत सारा कचरा नजर आया. लोगों ने फेंका हुआ था, देयर वर रैपर्स, पेपर्स, मैच बॉक्सेस, सिगरेट बर्ड्स, पता नहीं क्या क्या. तो मैंने एक तलकीन की थी कि इन खूबसूरत जगहों को खूबसूरत रहने में. ये ट्रैक Fairly, I would say, so beautiful. और इस पर मुझे वो वाला कचरा या वो वाले इशूज़ मुझे नहीं नज़र आ रहे. मे बी इट इज़ बिकॉज द कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ पेइंग गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स दीज प्लेसेस. तो भाइयों साफ ही रखें जगहों को. थैंक यू सो मच. यार अमेजिंगली इतना फ्लोरा एंड फौना है इस ट्रैक पे, यू कैन सी बिहाइंड मी भरा हुआ है. बहुत ही प्यारे मजेंटा रेड फ्लावर्स एंड देन देर आर येलो, तो मुझे बीच में एक पर्पल स्ट्रीक नज़र आई है और पूरे का पूरा ट्रैक इज़ कवर्ड विद दिस पाइन शेड. और पाइन का शेड आपको
ठंडा भी रखता है और मज़े का भी रखता है। खैर अपडेट वॉज के आफ्टर अबाउट 1 किलोमीटर द ट्रैक फ्लैटन्स और इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाती है, तो अभी मैं बड़ा कंफर्टेबली वॉक कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे द ट्रैक कमिंग इज़ ऑल फ्लैट और एलिवेशन इज़ अबाउट 2400 को हम टच कर गए हैं और टाइम हमारा 31 मिनट प्लस हो चुका है, बट आई वुड से 33 मिनट्स, और कंटिन्यूइंग आवर जर्नी भाई। सांस बाबा चढ़ गया भाई, चूसनी जैसा मुंह बन गया, लेकिन तकरीबन 2.5 किलोमीटर के पॉइंट पे अभी 2.5 हो गया, अभी मिडवे जो हाइट है वो थोड़ी सी स्टीप हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्टीप आपको नज़र आएगी हाइट, और यहाँ से आप मेरे साथ पीछे देखें तो वो ट्रैक चलता हुआ आ रहा है, इट्स क्वाइट स्टीप, तो 2.5 किलोमीटर इज़ द मार्किंग पॉइंट फॉर स्टीपनेस ऑफ द ट्रैक। आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ ऑलमोस्ट द मिड पॉइंट, हाफ पॉइंट। यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसका फोटो मैंने ऐड किया है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.84 किलोमीटर और हाइट इज़ अराउंड 2531 मीटर्स, और बड़ी शेडी एरिया है। इफ़ यू कैन लुक अराउंड द प्लेस, ट्रैक है, पॉन्ड है, लॉट ऑफ फ्लोरा फौना, ऊपर आपको ट्री कवर बहुत सारा नज़र आएगा, तो बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। यहाँ से देर इज़ ऑल्सो स्मॉल टक शॉप, इफ़ आई कैन शो यू प्रॉपरली, तो हॉर्स पार्किंग एरिया भी है और टक शॉप भी है, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग। ये जी एक डंकी जो है वो घोड़े को जुड़ने लगा था, एनी हाउ तो टॉप पे मिलते हैं। The elevation is about 2600 feet और 2400 पे हम पहुँच गए। Distance तकरीबन 3.5 हो चुका है, तो 1.5 किलोमीटर का और perhaps ट्रैक है। लास्ट जो आई वुड से 1.5 किलोमीटर्स हैं, दे आर वेरी स्टीप और यू शुड बी फिजिकली एटलीस्ट have some level of fitness to get through this. तो मैंने शॉर्ट से ब्रेक लिया जस्ट टू कैच माई ब्रेथ, बाकी सारा मैंने कॉन्टिन्यूस करना है, तो लेट्स गेट देयर। Ladies and gentlemen, at about 2853 meters, और ये almost 5 minutes का यहाँ से फासला है। Sun is peaking at this time, and there's a small, you know, snack settlement over here as well. 2853 meters पे कमर मेरी सख्त दुख रही है, Sun है इस वजह से ज़्यादा थकावट हुई है, वरना अमूमन इतनी नहीं होती। ये मैंने इसलिए चढ़ाया हुआ था कि गर्दन ना फट जाए मेरी हीट वेव की वजह से। पानी पीते हैं ऊपर चल के, जस्ट अबाउट देयर, बिल्कुल पास है। वेल ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द टॉप। हाँ, जैसे जैसे आप आते हैं मेरे पीछे देख सकते हैं कि द ट्रैक इज गेटिंग नैरोअर एंड नैरोअर, छोटा होता जाता है ट्रैक और बुश कवर्ड है सारा, देयर इज हार्डली एनी ट्री कवर इन दिस प्लेस, छोटे छोटे स्कैटर्ड ट्रीज हैं, बट अमेजिंग। टॉप पे पहुंच रहा हूँ, पहुंच के हुर्रा करेंगे बिकॉज दिस हैज बीन अ टफ क्लाइंब, लेट्स गेट देयर।
दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ निरंजनी पीक, और इस वक्त वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 2910 मीटर्स। पीछे आपको मेरे वैली ऑफ कश्मीर पर आप जुअर नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इस रेयर पे देखें तो यू कैन सी द हिमालयन रेंज इज वेल। तो क्या ज़बरदस्त टॉप है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका सब नज़र आता है यहाँ पे। तो भाइयों, यू आर एग्जॉटिका समिटिंग अनदर पीक, द हाईएस्ट इन गलियात रीजन, सबसे ऊंची पीक आज हमने समिट की है। तो लेट्स ऐड बी रोल, एंजॉय द फुटेज, कुछ देर बाद मिलते हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और वाटर ब्रेक ले लूँ। So, ये था निरंजनी पीक 2911 on my smartwatch, और elevation gain was 600 meters point of start से, और ये सारा उसका epoch है, pinnacle है, और 5.4 मेरी वॉच शो कर रही है, विच इज़ आई थिंक इन एक्यूरेट, 5 किलोमीटर है तकरीबन, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से ऑल द मेजर पीक्स ऑफ मुजफ्फराबाद एप्टाबाद रीजन आर विजिबल, प्लस द हिमालयन रेंज। बहुत ही मज़ा आया, स्टीप क्लाइंब थी, जो एंड का 1.5 किलोमीटर था दैट वॉज अ बिट टफ, उसके अलावा इट वॉज फाइन, मज़े का, शेडी है, बट जैसे आप टॉप के ऊपर पहुँचते हैं तो देर इज़ वेरी लिटिल शेड फॉर सिटिंग, और यू नो, तो अपना उस हिसाब से अरेंजमेंट ज़रूर करके आएँ। टच द हाईएस्ट पीक ऑफ गलियात रीजन, दिस इज़ अली फ्रॉम AWP एग्जॉटिका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अभी रिटर्न जर्नी है, तो आई विल बी कैलकुलेटिंग माई टाइम कि मुझे कितना लगता है वापसी पे, और डिक्लाइन में कितनी कितना जो अल्टीट्यूड है उसका लॉस है। तो लेट्स सी, और नीचे चलते हैं। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम निरंजनी पीक, स्टे ट्यून्ड इन फॉर मैनी अदर इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग ब्लॉग्स, लाता रहूँगा नेक्स्ट और कुछ गलियात के रीजंस हैं जो हम करेंगे। फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।